नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम ब्लिस फार्मा शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है और आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। देखिए, स्टॉक का प्राइस ने बेस फॉर्मेशन के बाद जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका रिवर्सल का इनिशियल साइन अभी देखने को मिल रहा है एंड हायर हाई फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया है, जो कि आगे हम डिटेल्स में चार्ट में कवर करेंगे। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज जल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे वो है फार्मा एंड इंडस्ट्री है फार्मा का। देखिए, फार्मा सेक्टर ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है एंड मल्टी ईयर का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है। अपर बाउंड्री के आसपास फार्मा सेक्टर कंसोलिडेशन कर रहा है एंड जिस टाइप का फार्मा सेक्टर का सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले टाइम में मल्टीबेगर रिटर्न वो सेक्टर दे सकता है। अगर सेक्टर में बड़ा मूव आएगा तो उसका रिलेटेड स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर सकता है एंड फार्मा सेक्टर को लेकर हम मल्टीपल टाइम प्रीवियसली एनालिसिस भी कर चुके हैं। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे वो है अराउंड 1167 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास रिजर्व कैश है 920 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 112 के आसपास एंड बुक वैल्यू है 89 का। प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 1.26 एंड स्टॉक का पीए 13 के आसपास एंड इंडस्ट्री पीए 29.8। इंडस्ट्री पी से बहुत ही नीचे स्टॉक का यहाँ पे चल रहा है। अगर डेप इक्विटी देखेंगे 0.11 है, जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप इक्विटी बिलो 1 आप वहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपेक्ट फाइनेंशियल स्टॉक में डेप इक्विटी थोड़ा हायर रहता है। अगर आप यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे -10%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न -16% एंड लास्ट 1 ईयर का +29%। तीनों टाइम फ्रेम में लास्ट ईयर ही यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी की जिस टाइप का अभी ट्रेंड प्राइस ने सेटअप किया है आने वाले टाइम में कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है एंड चार्ट में किस टाइप का सेटअप बन रहा है आगे जाकर हम कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे September 21 में सेल्स देखेंगे 196 करोड़ का एंड अभी September 23 में 212 करोड़ का। देखिए, सेल्स लगभग फ्लैट है, पॉजिटिव टू फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे था 22 करोड़ का September 21 में एंड अभी September 23 में है 43 करोड़ का। नेट प्रॉफिट यहाँ पे लगभग डबल हो गया है। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए, यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है 35%, FI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 16%, जो कि पॉजिटिव साइन है एंड DI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 6.61% एंड पब्लिक के पास यहाँ पे होल्डिंग है 42%। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर का होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे अराउंड बन रहा है 17% के आसपास यहाँ पे बिग इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है पब्लिक कैटेगरी में। देखिए, पब्लिक कैटेगरी में होल्डिंग है 42 माइनस 17, तो अराउंड यहाँ पे 25% यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास माल है इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, जिनका होल्डिंग बिलो 1% है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 20% आप वहाँ पे रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में पब्लिक जो अपर लेवल में ट्रैप हुए वहाँ तक प्राइस जाकर टेस्ट करेगा तो यहाँ पे पब्लिक पोजिशन को रिड्यूस कर सकते हैं एंड एक बार बड़ा ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाने के बाद पब्लिक का जो होल्डिंग डिक्रीज हो जाएगा एंड बिग इन्वेस्टर का होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमेशा से होता रहा है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए चार्ट ओपन हुआ है ब्लिस फार्मा का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है। ऊपर जाएगा अप ट्रेंड चैनल, नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल, कंसोलिडेशन करेगा फ्लैट चैनल। क्लियर कट आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड 2019 में प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड इस डाउन ट्रेंड चैनल का जो अपर बाउंड्री यहाँ पे था, जो कि लेवल था 85 के आसपास, प्राइस देखिए उसको ब्रेक करने के बाद ऑलरेडी अभी रिटेस्ट कर चुका है एंड रिटेस्ट करके अभी हायर हाई फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर कट देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेशन किया, खुद को रिफिलिंग किया एंड इस रेंज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसको प्राइस ब्रेक कर चुका है एंड जिस टाइप का सेटअप देखने को मिल रहा है, अगर उसका प्रीवियस लो को इसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो आने वाले टाइम में यहाँ से हमको एक बार बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है एंड प्राइस जाकर टेस्ट कर सकता है यहाँ पे 212 के आसपास, जो कि उसका लाइफ हाई के आसपास। हाई प्रोबेबिलिटी
लेकिन आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 200 लेवल को टेस्ट करेगा अगर उसका प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो, जो कि यहाँ पे बन रहा है इस स्विंग लो के ऊपर फोकस कर सकते हैं जहाँ पे प्राइस अभी बेस बनाया था। उसके साथ अगर मैं आपको राशियो चार्ट में दिखाऊंगा तो देखिए राशियो चार्ट एक बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मैं ब्लिस फार्मा वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट दिखाता हूँ, देखते हैं कि निफ्टी 500 को यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए चार्ट ओपन हुआ है मंथली राशियो चार्ट ब्लिस फार्मा वर्सेस निफ्टी 500 का। प्राइस के लिए मल्टीयर का सपोर्ट है ब्लू लाइन था जहाँ पे 2021 से प्राइस जो अप ट्रेंड यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था एंड प्राइस एग्जैक्टली देखिए जो मल्टीयर का सपोर्ट था उसको यहाँ पे रेटेस्ट किया, रेटेस्ट करने के बाद यहाँ पे बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद अभी देखिए ब्रेकआउट करके कंटिन्यूशन मूव देने के लिए रेडी है। क्लियर कट देखिए प्राइस यहाँ पे खुद को एक बेस बनाया, खुद को रिफुलिंग किया एंड अभी आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गया है। ये चार्ट ये बोल रहा है कि जिस टाइप का बेस को प्राइस ब्रेक कर रहा है आने वाले कपल ऑफ मंथ या कपल ऑफ ईयर तक जो ब्लिस फार्मा जो है निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है। राशियो चार्ट में भी सिग्नल मिल गया है, प्राइस स्ट्रक्चर में भी सिग्नल मिल गया है। आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी मैनेज कीजिएगा, आपका एनालिसिस कीजिएगा एंड स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा। मैं आशा करता हूँ हम डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।